सम्राट और उनका सेनापति चक्रपाणी उस पुराने से किले की ओर पहुंच जाते हैं। सम्राट, इसी किले में बैठा हुआ है हमारा दुश्मन। मैं उसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिसके कारण आज हमारे इतने सैनिक मारे गए। क्या पता चक्रपाणी, हो सकता है वो अब तक भाग गया हो इस किले से। सम्राट, हम जैसे जैसे अंदर जाते जा रहे हैं, अंधेरा तो और बढ़ता जा रहा है। चक्रपाणी, मुझे लगता है यहाँ और कोई भी है। अंधेरे से निकलने के बाद सम्राट को आगे एक दरवाजा नजर आता है। चक्रपाणी, चलो उस दरवाजे की ओर। सम्राट और चक्रपाणी उस दुश्मन को देखकर वहीं रुक जाते हैं। इस छोटे से किले में आपका स्वागत है मेरे बड़े भैया। सम्राट, ये अपने आप को आपका छोटा भाई बता रहा है, ये कैसे संभव है? चक्रपाणी, ये सच कह रहा है, ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम नरभीरा है। क्या सच में? मैं जान गया हूँ, तुम्ही ने मेरे पुत्र को जहरीली दवा दी थी और बीमार किया था, और तुम्ही ने बिच्छू राजा के सैनिक को मारा है ताकि हम में युद्ध हो जाए। मेरे अलावा ये काम और कोई कर सकता है भला? सम्राट, ये अगर आपका भाई है तो ये यहाँ क्या कर रहा है, महल में क्यों नहीं है? इसका जिम्मेदार ये खुद है। करीब 18 साल पहले की बात है, जब हमारे राज्य में किसी तरह का कोई संकट नहीं था। एक दिन हमारे राज्य में कोई साधु महात्मा आकर पास के जंगल में रहने लगा। उसे जड़ी बूटी के उपचार के साथ साथ जादुई कलाएं भी आती थीं। उसने कम समय में ही लोगों का विश्वास जीत लिया था। हर समस्या के समाधान के लिए लोग उन्हीं के पास जाते थे। एक दिन राज्य सिंहासन की लालसा में नरभीरा उनके पास गया। उस साधु ने नरभीरा से कहा, तुम्हें राज्य का सिंहासन मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 1000 लोगों की बलि चढ़ानी पड़ेगी। राज्य की लालच में नरभीरा अपने ही सैनिकों को एकांत गुफा में साधु के पास पहुंचाने लगा। धीरे धीरे जब सैकड़ों सैनिक गायब हो गए, तब तहकीकात से पता चला कि यह काम साधु और नरभीरा का है। कैद हो जाने के बाद उस साधु ने बताया कि वह दुश्मन मुल्क का सैनिक है, वह हमारी सैन्य शक्ति को कमजोर करने के लिए आया था, इसलिए उसने हमारे सैकड़ों सैनिक मार डाले। वह कोई परमात्मा नहीं है, यह जानकर हमने उस साधु को मृत्यु की सजा दे दी और नरभीरा को हमेशा के लिए राज्य से बाहर निकाल दिया। देखो मिराज मेरे लिए क्या लेकर आया है, सुना है कि ये तलवार खून मांगती है। सम्राट, तुम खुद मौत के मुंह में आ गए हो, तुम्हें मारकर वो सिंहासन अब मेरा हो जाएगा। हा 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 हा। सम्राट समझ जाते हैं वो एक जादुई तलवार है और उसके सामने लड़ना एक तरह की मूर्खता का प्रमाण है। ठहरो नरभीरा, तुम्हें सिंहासन ही चाहिए ना, वो मैं कल दे दूंगा और अपने पुत्र को लेकर चला जाऊंगा। कल तुम महल में आ जाना, मैं सबके सामने घोषणा कर दूंगा कि ये राज्य अब तुम संभालोगे। मैं ये वचन देता हूँ तुम्हें। क्या सच में? मैं जानता हूँ कि तुम अपने प्राण दे सकते हो, लेकिन अपना दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ सकते। मैं ये वचन पूरा करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल महल में आना होगा। ठीक है, मैं कल महल में आऊंगा और तुम अपना कल वचन पूरा करोगे। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। सम्राट, 2 दिन बीत गए हैं, बिच्छू राजा के साथ समारोह भी संपन्न हो गया, आपके पुत्र की तबीयत भी ठीक हो गई, लेकिन ये नरभीरा महल आया क्यों नहीं? चक्रपाणी, वो दोनों जिंदा नहीं हैं, वो दोनों उसी दिन मर चुके थे। क्या, ये कैसे संभव है सम्राट? उन्हें उस तलवार का नियम नहीं पता था। वह तलवार खून तो पीती है, लेकिन बिना खून पिलाए उस तलवार को मयान में डाला जाए तो उस तलवार के आसपास जितने भी जीवित प्राणी होंगे वो उन सब का खून पी लेगी। तो सम्राट, आपने वचन दिया था, उसका क्या? मैंने उसे वचन दिया था कि अगर तुम महल में आ जाओगे तो मैं तुम्हें सिंहासन दे दूंगा। सम्राट, आप पराक्रमी होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी हैं, आज मैंने देख लिया।